रिस्क असेसमेंट एक साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें कि अलग अलग ऑप्शंस हम सेलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद रिस्क कम्युनिकेशन आता है। तो कैसे ये डिपेंड करते हैं कि रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है। प्राइमरीली अगर हम देखें तो कोडेक्स की गाइडलाइन भी टाइम टाइम पे जो आती हैं, और हमारा प्रोसेस जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसमें भी ये बात क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट कब स्ट्रांग होगा? जब हम अच्छी तरह से रिस्क एसेस कर पाएंगे या रिस्क का असेसमेंट कर पाएंगे। कोई भी अगर एनालिसिस करें तो ए प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन इज कॉल्ड रिस्क एनालिसिस। उसी तरीके से द प्रोसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम रिस्क असेसमेंट ऑफ वेइंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स इन कंक्लूजन विद ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज कंसिडरिंग रिस्क असेसमेंट एंड ऑल अदर रिलेटेड फैक्टर इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कम्युनिकेशन का मीन क्या है? टू इंटरेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, आइडियाज, ओपिनियन थ्रू आउट द रिस्क एनालिसिस प्रोसेस। यू कैन एड द वेंडर्स एंड फार्म टू फॉक सिस्टम। यू कैन ऑल्सो एड द फूड चेन रिलेटेड ऑल आस्पेक्ट्स। तो अब हम ये समझते हैं कि रिस्क एनालिसिस, जो कि तीन बेसिक डिपेंडेंट चीज़ों पर आधारित है, उसमें इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई। आपने अगर सुना है बेसिकली फूड बॉर्न डिसीज़ के बारे में, तो फूड बॉर्न डिसीज़ के कारण 1950 में एक फूड बॉर्न डिसीज़ हुई जो कि मिथाइल मरकरी फिश में फाइंड आउट हुई थी, और उससे एक लेडीज़ के ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ जो कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ था उस समय पे। उसकी वजह से ये बेसिकली जापान में ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व हुई थी, और ये था सी फूड रिलेटेड चीज़ों में। तो उस समय लोकल एरियाज़ में जितनी फैक्ट्रीज थी इस रिलेटेड, वो सारी बंद कर दी गई थी। एक दूसरा इसका इशू है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन, जो कि USFDA के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है कि एक इम्पॉर्टेंट फूड बॉर्न पैथोजन है। सेवरल रिसेंट आउटब्रेक्स हुए लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन्स के, और रेडी टू ईट एंड मीट प्रोडक्ट में ये पूरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं। इसके समय समय पे इसमें जारी यूनाइटेड स्टेट्स की इंफॉर्मेशन लगातार जारी रहती है। तीसरा एक एपिसोड आपने बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसिफेलोपैथी, जो पॉपुलरली कॉल्ड है काउमेट डिसीज़ के नाम से। तो इस तरह की फूड बॉर्न डिसीज़ से कहीं ना कहीं एक लिंक जरूर निकलता है कि क्या हमारा रिस्क असेसमेंट उस लेवल का है कि हम आने वाले समय के लिए उस पूरे सेटअप को तैयार कर पाएंगे, जो कि इस तरह की खतरनाक बीमारियों से हमको बचा सकता है। ISO 22000 2018, जिसमें कि हजार एनालिसिस कंसिस्ट करता है कुछ स्टेप्स को, अपने क्लॉज के माध्यम से जैसे कि 8.5.2.2 में हजार आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल। ये एक्सेप्टेबल लेवल क्या है? एक्सेप्टेबल लेवल मींस कि आपने कोई भी कंट्रोल पॉइंट के बाद में, किसी भी प्रोसेस के कंट्रोल पॉइंट के बाद में, अगर आपको थोड़ा बहुत हजार्ड का कंसिड्रेशन किया है आपने और आपने आइडेंटिफाइड किया है, तो क्या वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है या नहीं है? ह्यूमन हेल्थ की सेफ्टी के साथ में वो खिलवाड़ करेगा या नहीं? अगर वो ह्यूमन हेल्थ की सेफ्टी से कोई खिलवाड़ नहीं करता है, मे बी कि उसमें क्वालिटी रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट अगर वो ह्यूमन हेल्थ के साथ में एक्सेप्टेबल है, कंसिडरेशन है, तो उसको आप एक्सेप्टेबल लेवल में काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आपने उस बेसिकली कंट्रोल पॉइंट पे क्या एक्शन क्राइटेरिया लिया था आपका। दूसरे पॉइंट पर अगर देखें तो 8.5.2.3 में हजार्ड का असेसमेंट है। हजार्ड असेसमेंट मीन्स कि फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और एलर्जन। हजार्ड असेसमेंट की कैटेगरी में अगर इस टाइप के हजार्ड को आपने आइडेंटिफाइड किया है और उनको पूरी अच्छी तरीके से असेस किया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांस नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको सिलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन करना होता है कंट्रोल मेज़र का,
और सिलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन कंट्रोल मेजर का जब करेंगे तो उसमें हजार असेसमेंट अगर क्लियरली हुआ है तभी वो वैलिड रहेगा, तभी आप उसको वैलिडेट भी कर पाएंगे, अदरवाइज वो अपने दूसरे प्रोसेस में ही फेल हो सकता है। जैसे कि 8.5.3 में बोला है कि वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल मेजर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर, इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी एक मैकेनिज्म, एक कोई सेटअप या मशीनरी एक कंट्रोल मेजर के एस्पेक्ट्स में लगाई हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो प्रोसेस दो मैकेनिकल डिवाइस या तीन मैकेनिकल डिवाइस का एक पार्ट हो सकता है, तो इसमें भी उसको कंसिडर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करके उसको वैलिडेट किया है। बाद में इसमें बात करते हैं कि हजार्ड कंट्रोल प्लान क्या है सब रिलेटेड एक्टिविटीज़ और ओपीआरपी प्लान, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 22000, क्योंकि हैसअप प्लान में आप हजार्ड का असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और ओपीआरपी प्लान में आप कंट्रोल मेजर्स के लिए आपके प्लांट में, आपके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं आप उनके लिए एस्टेब्लिश्ड करते हैं कंट्रोल पॉइंट। इस तरह से जब आप हजार आइडेंटिफिकेशन और उनका डिटर्मिनेशन करते हैं और एक्सेप्टेबल लेवल को फाइंड आउट कर देते हैं, तो आप एक चीज़ जरूर नोट करेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी एक्टिविटी अगर पास्ट में नहीं रही है, तो क्या ऐसा कारण है कि वो अब हो सकती है? क्या हम कभी उसकी बैक स्टडी अगर करें और हमको इस तरह की कोई हजार्ड सिचुएशन मिलती है तो हमको उसमें कंसिडर करना पड़ता है। कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन और अदर हिस्टोरिकल डाटा भी उसमें हेल्प करता है, जो कि हजार्ड असेसमेंट के लिए रेफरेंस के रूप में रखना बहुत आवश्यक होता है। और इन सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जो भी हजार्ड रिलेटेड हैं, उनको फूड चेन के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों पॉइंट में ऐड होगा। उसके बाद अगर बात करें कि हमारे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की जो थ्योरी है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का जो प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है, उसमें किन चीज़ों की डिपेंडेंसी रहती है? बेसिकली हजार्ड को जब हम आइडेंटिफाइड करते हैं तो नॉर्मली बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल मोड में ही देखते हैं, और ये सारी, ये तीन टाइप के हजार्ड, जिसमें कि एलर्जन को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो चौथा नंबर का हो जाएगा, लेकिन ये सभी डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं पांच सोर्स से, जैसे कि इक्विपमेंट, मटेरियल, इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी में अगर, या कहें तो आप एक एनवायरनमेंट में मैन या मटेरियल या मशीन या मेथड से अगर एक हजार्ड एक बार आ गया, तो फिर वो सभी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोड में पहुंच सकता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में कंटामिनेशन मैन टू मैन, मैन टू मटेरियल, मटेरियल टू मशीन, मशीन टू मेथड, किसी में भी हो सकती है। इसीलिए इन पांच पॉइंट की कंसिडरेशन के आधार पे ही हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन हमको करना होता है। हजार्ड रिलेट कर सकता है केमिकल रॉ मटेरियल से भी, मटेरियल या इंस्टॉलेशन से भी, टेक्निकल डिवाइसेस से भी, टेक्नोलॉजी से भी, एक्टिविटी से भी, ऑपरेशन की कंडीशन या नॉर्मल और अबनॉर्मल ऑपरेशन की कंडीशन से, और कुछ टेक्निकल कंसर्न की अगर बात करें तो प्रेशर, टाइम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह की कंडीशंस भी उसमें काफ़ी मैटर करती हैं। हाँ, पीआरपी रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, प्रीमाइसेस से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, विंडोज़, लाइटनिंग, ये इस तरह की लाइट इंटेंसिटी, इस तरह की चीज़ों को उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखी जाती है। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से, USFDA के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन रहे रिस्क का, तो उसमें क्या है इस बार कंसीडरेशन क्या है? बायोलॉजिकल हजार्ड को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। बायोलॉजिकल हजार्ड वेटेज का कारण आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन या माइक्रोबायोलॉजिकल मोड के द्वारा फूडबॉर्न डिसीज़ की संख्या बढ़ी थी, और उसी को याद ध्यान में रखते हुए अब हम FSSC 22000, जो कि एक ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव है, उसके दिशा में पूरा देश और पूरी पूरा वर्ल्ड कदम बढ़ा रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे पैथोजेंस आइडेंटिफाइड हैं जिनकी की टेस्टिंग और जिनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ये कुछ लिस्ट है जो कि क्लासिफिकेशन के आधार पे, USFDA के आधार पे, जो कि लिस्ट आउट किया गया, और उनको कंसिडरेशन आपको अपने मटेरियल में या अपने फाइनल प्रोडक्ट में करना होता है। आप ये लिस्ट नोट भी कर सकते हैं।
सामने केमिकल अगर हजार्ड की बात करें तो नेचुरली अकरिंग टॉक्सिंस, फूड एडिटिव्स अगर एक्सेस क्वांटिटी में है, फूड एडिटिव्स एक ऐसा अल्टरनेट है कि अल्टरनेट नहीं कहें तो एक रिक्वायरमेंट है बेसिकली प्रोडक्ट के लिए, और अलग अलग कंडीशंस में उसको अलग अलग क्वांटिटी में पीपीएम के आधार पर या ग्राम के आधार पर उसको यूज़ करते हैं। कम क्वांटिटी में बेसिकली ये यूज़ होता है, और उनमें से कलर भी एक टाइप का फूड एडिटिव होता है। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होता है तो ये एक टॉक्सिन्स को जनरेट करता है जो कि बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यू, पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यू बेसिकली केमिकल होते हैं ये, और आपके प्रोडक्ट में अगर पेस्टिसाइड्स का रेसिड्यू है, चाहे वो क्रॉप मटेरियल से आए या आपकी प्रोसेसिंग से आया है, तो वो आपके पॉइंट के लिए केमिकली कंटामिनेशन के लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है। एंटीबायोटिक का रेसिड्यूज़, एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स के रेसिड्यूज़ या केमिकली कंटामिनेंट क्या पैकेजिंग से आ सकता है। पैकेजिंग से कैसे आ सकता है कि पैकेजिंग मटेरियल में प्रिंटिंग मटेरियल भी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंटिंग मटेरियल्स के बाद में उनकी सरफेस अलग अलग लेयर फॉर्मेशन के बाद में अगर उसने अपनी सरफेस को छोड़ा है या फिर वो लीव आउट किया है किसी भी माध्यम से, तो वो आपके प्रोडक्ट में एक कंटामिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है और प्रोडक्ट क्वालिटी और फूड सेफ्टी दोनों में अफेक्ट कर सकता है। एलर्जेंस मटेरियल की अगर हम बात करें तो एलर्जेंस अपने आप में शेड्यूल 4 में भी काफ़ी बड़े लेवल में बताया जाता है, और एलर्जेंस को FSSC 22000 ने भी एक बड़ी कैटेगरी माना है। एलर्जन की हैंडलिंग को लेके या एलर्जन के करेक्टराइजेशन से लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और नोटिफिकेशंस अभी तक आ चुके हैं, जिसमें कि कुछ आइडेंटिफाइड एलर्जेंस भी हैं और कुछ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को लेकर एलर्जेंस भी आइडेंटिफाइड होते हैं। तो इसमें एक एलर्जन का कंट्रोल प्लान भी बनाना होता है, जो कि इस पूरे हैसअप प्लान में, HACCP प्लान में या OPRP प्लान में उसको बाद में ऐड किया जाता है। फिजिकल हजार्ड, आप सभी लोग जानते हैं कि फिजिकली हजार्ड ग्लास, मेटल, मशीन फिलिंग्स, पेपर, प्लास्टिक, डेड इंसेक्ट्स, ज्वेलरी, हेयर एट्सेट्रा, इट्स टाइप के फिजिकल हजार्ड समझते ही हैं, और उनका कंसिडरेशन आपको कंट्रोल मेजर्स में किस तरह से करेंगे या हजार्ड के करेक्टराइजेशन में किस तरह से करेंगे, वो आपकी मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करता है। एक्सेप्टेबल लेवल डिटर्मिनेशन, ये एक बड़ा इशू है। व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ISO 22000:2018 वर्जन, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ए फूड, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ए फूड सेफ्टी हजार्ड जो कि 3.22 में दिया गया है, नॉट टू बी एक्सेडेड इन द एंड पॉइंट, मीन्स एंड प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, उस फाइनल प्रोडक्ट के आधार पे आपने जो भी लिमिट उसकी डिसाइड की है, तो उसमें फूड सेफ्टी हजार्ड का लेवल इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल लेवल का मीन्स, जब आप कंट्रोल मेजर में आइडेंटिफाइड करते हैं, जहाँ पे आप एक्शन क्राइटेरिया सेट करते हैं, वहाँ पे आपको इस चीज़ को पहले सोचना पड़ेगा। अगर आप उस समय पे इसको ध्यान नहीं रहेंगे तो एक्सेप्टेबल लेवल कहीं ना कहीं एंड प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम का सामना कराएगा। एक्सेप्टेबल लेवल मीन्स द लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर हजार्ड इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नीडेड एट द नेक्स्ट स्टेप इन द फूड चेन टू इंश्योर फूड सेफ्टी। अगर एक्सेप्टेबल लेवल को उस पर्टिकुलर हजार्ड के लिए आप आइडेंटिफाइड कर लेंगे, तो नॉर्मली ये हर स्टेप पे डिपेंड करता है, और अगर फूड चेन के हर मोड पे आपने इसको क्लियरली आइडेंटिफाइड किया और समझा है अच्छी तरीके से, तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं आ सकता। हजार्ड का असेसमेंट पर्पस क्या है? हजार्ड असेसमेंट का द पर्पस ऑफ हजार्ड असेसमेंट इज टू डिटरमाइन वेदर इट्स एलिमिनेशन, प्रिवेंशन और रिडक्शन टू एक्सेप्टेबल लेवल इज एसेंशियल टू द प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ सेफ फूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हजार्ड असेसमेंट में आपने किसी भी हजार्ड को एलिमिनेट किया है या उसको रिड्यूस किया है, इन सब के अलावा अगर आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। हजार्ड को अगर आपने प्रिवेंट कर लिया तो आगे कोई भी मोड उसमें नहीं बन सकता, लेकिन एलिमिनेशन, रिडक्शन, इन सब चीज़ों की जो सिचुएशन आती है, तो आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाइल कंडक्टिंग हजार्ड असेसमेंट फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड, कैसे आप इसको कंसिडर करेंगे उस समय पे जबकि हजार्ड का असेसमेंट कर रहे होंगे? सोर्स ऑफ द हजार्ड मीन्स कि हजार्ड कहाँ से आ रहा है, एनवायरमेंट, पीपल, मटेरियल, मेथड्स, मैकेनिज्म, ये सारे जो सोर्स हैं उन सबको, सोर्स को अच्छी तरीके से आपको, बारीकी से आपको आइडेंटिफाइड करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, कॉन्फिडेंस
क्वांटिफाइड और क्वालिटेटिव दोनों वैल्यूज में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इसके लिए टोटल मैथमेटिकल इंडक्शंस, स्टैटिस्टिकल डेटा, इन सब की नीड होती है जिसको कि सिस्टमेटिकली हमको अप्लाई करना चाहिए। नेचर ऑफ हजार्ड अगर इसमें कंसिडर करें कि क्या नेचर है हजार्ड का, क्या वो एबिलिटी रखता है मल्टीप्लाई होने का या डिटेरोरेट होने का, या वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप किसी भी हजार्ड ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए और वो या फिर वो मल्टीप्लाई करता है या माइक्रोबियल कंटामिनेशंस को, तो ये साथ में लिंक करेगा एलर्जन प्रॉपर्टी को भी। जब एलर्जन प्रॉपर्टी को भी ये लिंक करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस कंटामिनेशन का मॉड्यूल डेवलप हो सकता है और तब ये प्रोडक्ट ज़्यादा अनसेफ हो जाता है। तो हजार्ड के नेचर को समझने के लिए हजार्ड की बेसिक ओरिजिन का आपको स्टडी करना होता है। हजार्ड कहाँ से आया, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो मटेरियल कहाँ से आया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि एक एग्जांपल है हजार्ड असेसमेंट की मेथोडोलॉजी जो कि ISO 22000:2018 वर्जन में दिया गया है, जैसे कि पहले भी वर्जन में कुछ इसी तरह का दिया गया था। ये सामने प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड है और इधर सेवेरिटी ऑफ हजार्ड है। प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी संभावना है हजार्ड के आने की, और सेवेरिटी ऑफ हजार्ड क्या है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो सामने लो, मीडियम और हाई, ये तीन कैटेगरी प्रोबेबिलिटी की हैं, और लो, मीडियम और हाई ये भी तीन कैटेगरी सेवेरिटी की हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी कम है, आने के चांसेस उसके कम हैं, और सेवेरिटी भी हजार्ड की कम है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं बनता, मतलब आपके फूड सेफ्टी के लिए वो कोई खतरा नहीं है। उसके अगर प्रोबेबिलिटी मींस आने के चांसेस मीडियम है और सेवेरिटी भी उसकी कम है, तब भी वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर हजार्ड आने की ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंट बेसिस पे आता है, और उसकी उस हजार्ड की सेवेरिटी भी उस लेवल में हाई है, तो वो सीधी बात है कि वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो टर्म आइडेंटिफाइड है वो सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड। सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड मींस कि इट इज़ क्रिटिकल एंड इट शुड बी कंट्रोल। उसी तरीके से मीडियम, लो, मीडियम, मीडियम, मीडियम हाई, ये कैटेगरी जितने भी रेड पॉइंट इंडिकेटेड हैं, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट, ये सारी पॉइंट आपके हजार्ड असेसमेंट के बाद में जब आप कंट्रोल मेजर्स डेवलप करते हैं, तब इस बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। सामने एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस के आधार पर अगर देखें तो एक कंट्रोल मेजर जब आइडेंटिफाइड किया है, और आइडेंटिफाइड करने में आपने उसकी लिमिट सेट की है, क्रिटिकल लिमिट बनाई है, या फिर एक्शन क्राइटेरिया बनाया है, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस बात का क्या मतलब होता है, थोड़ा इस बात पर चर्चा करते हैं। The likelihood of failure of its functioning, मतलब कि अगर कोई कंट्रोल मेजर सेट किया है और वो फेल हो जाता है, तो उसके क्या चांस बनते हैं फेल होने के बाद। अगर वो फेल्योर हो रहा है मंथ में एक बार अगर वो फेल्योर हो रहा है, इट मीन्स कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा पास हो सकती है। और अगर वो फेल्योर हो रहा है 6 महीने में एक बार, कंसीडरेशन थोड़ा है। लेकिन अगर वो कभी साल में एक बार अगर फेल होता है, मार्जिनली उसका इफेक्ट है या एरर है, तो उसके चांसेस लो बनते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन क्या हुआ, 3 नंबर हाई, 2 नंबर मीडियम और 1 नंबर लो। अगर ये हजार्ड का कैटेगरी आपकी फंक्शनिंग पे फेल हो रही है, तब दूसरी कहाँ कंडीशन बनती है, द सेवेरिटी ऑफ द कंसिक्वेंसेस इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ इट्स फंक्शनिंग। यहाँ पे क्या था, लाइकलीहुड ऑफ फेलियर ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब यहाँ पे क्या है, द सेवेरिटी ऑफ द कंसिक्वेंसेस इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ इट्स फंक्शनिंग, मतलब कि जब जब ये कंट्रोल मेजर फेल हुआ है, तब इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या बने हैं, क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है या हुआ है कभी पास्ट में। पास्ट का डेटा भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उसकी कैटेगरी में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें, हाई 3 नंबर, डेफिनेटली अफेक्ट एंड प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल अफेक्ट करेगा।
अगर अफेक्ट करेगा तो 3 नंबर आप देंगे। चांस है कि वो अफेक्ट कर सकता है तो इसको आप मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, और अगर उससे अफेक्ट होने के बाद कोई ऐसा कंसिक्वेंसेस नहीं बना है या कोई ऐसी सेवरिटी नहीं है तो आप उसको 1 नंबर दे सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, द इफेक्ट ऑन आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इफेक्ट ऑन आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड, आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी हजार्ड अगर कोई भी है आपके प्रोसेस में, उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो बचाव करता है या उसको कम करता है या वो एलिमिनेट करता है। अगर वो बचाव करता है तो उसको 3 नंबर देना पड़ेगा क्योंकि वो आगे की वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो केवल रिड्यूस करता है तो वो मीडियम रेंज का आएगा, वो 2 नंबर आप देंगे, और एकदम एलिमिनेट कर देता है तो 1 नंबर की कैटेगरी में रहेगा। द लोकेशन इन द रिलेशन टू अदर कंट्रोल मेजर, द लोकेशन इन द रिलेशन टू द अदर कंट्रोल मेजर, अगर दूसरे कंट्रोल मेजर्स भी लगे हैं उनके सापेक्ष या उनके हिसाब से उसकी लोकेशन क्या है, उस कंट्रोल मेजर की लोकेशन क्या है, कैसे, जैसे कि डेफिनेटली अफेक्ट करेगा एंड प्रोडक्ट को, अगर वो एंड प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को अगर वो अफेक्ट करता है मतलब नुकसान पहुंचाता है उसको, तो आप उसको 3 नंबर देंगे। अफेक्ट कर सकता है एंड प्रोडक्ट को तो आप 2 नंबर देंगे, और थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है अगर उसका इम्पैक्ट डालता है एंड प्रोडक्ट पे, जो कि एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो कि फूड सेफ्टी रिलेटेड चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तब आप उसको 1 नंबर देंगे। इसमें क्लियर लिखा है मार्जिनल इम्पैक्ट ऑन एंड प्रोडक्ट नॉट अफेक्टिंग फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी की जहाँ पे लाइन अगर आ जाती है, अगर उसमें मार्जिनल इम्पैक्ट है और फूड सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं है तो आप 1 नंबर उसको दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन, ये टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इससे आगे क्या क्वेश्चन बनता है, वेदर इट इज स्पेसिकली स्पेसिफिकली एस्टेब्लिश्ड एंड अप्लाइड टू रिड्यूस द हजार्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, क्या ये हजार्ड स्पेसिफिकली आपने एस्टेब्लिश किया था ये जानबूझ के, क्योंकि सिचुएशन अगर ऐसी बन रही है कि आपको कंट्रोल मेजर लगाना है और आपने इसको आइडेंटिफाइड ऐसे पॉइंट पे किया था कि स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे भी 2 बात बनती हैं कि अप्लाई टू रिड्यूस द हजार्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, अगर हाँ तो आप इसको 3 नंबर देंगे, और नहीं है तो आप इसको सीधा 0 नंबर देंगे। मतलब कि क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या है, अभी हमने जो 4 क्वेश्चन किए उनमें कैटेगरी किस टाइप की है, हाई, मीडियम और लो, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, और अब जो कैटेगरी आएगी वो किस तरह से, हाँ और ना की कैटेगरी, जिसमें कि हाँ है तो 3 नंबर और ना है तो 0 नंबर। आगे एक क्वेश्चन है, वेदर इट इज ए सिंगल मेजर और इज ए पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर, क्या ये सिंगल मेजर है या ये कंट्रोल मेजर का पार्ट है, अगर ये सिंगल मेजर है जो कि लास्ट मेजर हो सकता है तो इसको 3 नंबर देना पड़ेगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन है किसी कंट्रोल मेजर का पार्ट तो इसको 0 नंबर। दोनों पॉइंट में यही है। उसके बाद में एस्टेब्लिशिंग मेजरेबल कंट्रोल क्रिटिकल लिमिट एंड और मेजरेबल ऑब्जर्वेबल एक्शन क्राइटेरिया, अगर इसका कहीं पे भी एस्टेब्लिश करने में, क्रिटिकल लिमिट को एस्टेब्लिश करने में अगर कोई भी योगदान है, या ये मेजरिंग एस्पेक्ट में या ऑब्जर्विंग एस्पेक्ट में आता है, तो ये एक्शन क्राइटेरिया पे डिपेंड हो जाएगा। और दूसरा क्या है, मॉनिटरिंग डिटेक्ट एनी फेलियर टू रिमेन विद इन क्रिटिकल लिमिट एंड और मेजरेबल ऑब्जर्वेबल एक्शन क्राइटेरिया, अगर देयर इज ए सक्सेसिव कंट्रोल मेजर, मतलब कि दोनों कंडीशंस में 3A और 3B में यही बात आती है कि आपका मेजरेबल जो क्रिटिकल लिमिट है या ऑब्जर्वेबल क्रिटिकल लिमिट है उसके लिए एक्शन क्राइटेरिया अवेलेबल है या नहीं, दूसरा मॉनिटरिंग है उसकी, डिटेक्ट करता है वो किसी भी फेलियर मॉड्यूल को विद इन क्रिटिकल लिमिट, क्रिटिकल लिमिट से आगे नहीं, विद इन क्रिटिकल लिमिट, तो उसके बाद भी क्या आपके पास में सक्सेसिव कंट्रोल मेजर है, अगर आपके पास सक्सेसिव कंट्रोल मेजर है तो आप इसमें 3 नंबर देंगे, और अगर नहीं है तो इसको 0 नंबर। उसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3C को, अप्लाइंग टाइमली करेक्शन इन केस ऑफ फेलियर, क्या अगर कभी इसमें प्रॉब्लम, कंट्रोल मेजर में प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करेक्शन टाइमली लिया है, बेसिकली 3 चीज़ें हैं इसमें,
अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप करेक्शन लेंगे, फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे और बाद में प्रिवेंटिव एक्शन तो होगा। लेकिन क्या जब भी कभी प्रॉब्लम आई थी उसका मैकेनिज्म, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी चेकलिस्ट, चेक पॉइंट्स क्या इस टाइप के हैं कि आपने टाइमली करेक्शन को आइडेंटिफाइड किया? अगर कोई प्रॉब्लम आई और आपने करेक्टिव एक्शन पे छोड़ा और करेक्शन नहीं लिया तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। अगर टाइमली आपने करेक्शन नहीं लिया तो आप 0 नंबर देंगे, और अगर आपने टाइमली करेक्शन लिया इसमें तो आप इसमें 3 नंबर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज बन के तैयार हो जाती है, एक टेम्पलेट तैयार हो जाता है जो कि कंट्रोल मेजर को सेट करने के लिए, क्या वो OPRP बनेगा, क्या वो CCP बनेगा, या वो PRP के मॉड्यूल में ही कंट्रोल हो जाएगा, उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इन सब रेशनल्स के बाद में एक क्राइटेरिया डिफाइंड है FSSC की गाइडलाइन में भी, कि अगर कोई भी, जितनी भी आपकी PRP हैं, अगर 16 मार्किंग से कम या इक्वल हैं तो वो PRP है। मीन्स कि अगर नंबरिंग 16 मार्किंग से कम या इक्वल है तो वो PRP की रेंज में आएगा, जिसमें कि ऑल लो पॉइंट्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस आने चाहिए। 4 कॉन्स्टेंट क्वेश्चन कौन से थे जो कि हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़े थे। OPRP किस रेंज में आएगा? 17 to 20 मार्क्स। इसमें क्लियरिटी है, पिछले वाले जो वर्जन